अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से रहेंगे। घर में दूसरा आई है वीकेंड मनाने के लिए छुट्टी है बच्चे लोग की, तो मैं अभी जस्ट काम वाम करके घर में आया तो मम्मी मूंज बुशरा ये तीनों मार्केट में डैडी के यहाँ छोड़ के गए दोनों, उसको सबसे ज्यादा मस्ती और बच्चे को। तो मैं जैसे आया डैडी बोला अरे बाबा तू संभाल मैं अभी थक गया। तो अभी हम सोचे मम्मी लोग मार्केट में, उन लोगों का नीचे ले गया था बाइक पे थोड़ा घुमा भी हुआ, उन लोग को उन लोगों का रिएक्शन देखते बोली कर इधर भी लेके आ गया, उन लोग को बोलने देगी मेरे को कुछ ठीक है। हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं, उन लोग का रिएक्शन देखेंगे। ओके बाय। बहुत मस्ती करती है लड़की। ये तुम्हारी न्यू चप्पल है? हाँ। वाह बहुत मस्त है जाइशु। शयान के न्यू शूज कहाँ हैं? अंदर है। ठीक है ठीक है, चलो जल्दी चलो मम्मी लोग को ढूंढते हैं मार्केट में कहाँ हैं। हाँ वाह। अभी ऐसा करना पड़ेगा मून को फोन करके पूछना पड़ेगा कि अरे मैं वापस नीचे उतर रहा हूँ कुछ काम है, तुम लोग कहाँ हैं? तो उन लोग जहाँ रहेंगे वहाँ बाइक पे लोगों को लेके चले जाऊंगा, देखते हैं रिएक्शन। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कैप्चर हो बुशरा का, ऐसा रहेगा अरे बाप रे तू ये दोनों को मार्केट में भी लेके आ गया। चलो हम लोग बैठ गए। जायशा हाई करो बाय। और मैं बैक कैमरे दिखाता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, शयान पीछे बैठा है, और मैंने फोन करके पूछ लिया हूँ कहाँ है इन लोग एग्जैक्टली, तो चलते हैं। हाँ चल कोई बात नहीं, देखते हो लोग किधर है। अभी हम लोग आ गए मार्केट में और जहाँ लोकेशन बताए थे वहाँ आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा। मम्मी दिख गए मैं बोला तुम लोगों को सरप्राइज दे देते हैं। बुशरा वाले कह रहे यहाँ भी लेके आ गए इन लोग को। हाय नहीं नहीं लोग को पूछना था है का। हाँ जैसा मजा आई मम्मी से मिलके। अरे इन लोग दो मिनट सिर्फ देखे और फिर शॉपिंग में अपने लग गए सब तीनों भी, और माँ तो देखो पीछे कुछ तो बिजी है। जाओ 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 बार्गेनिंग करो तुम लोग, हम लोग राउंड मार के आते हैं जैसा शयान। हम लोग देखो खुशी हुई के नहीं बच्चों को देख के तेरे, या तू सोचियो कि फिर यहाँ भी लेके आ गया। नहीं है पानी क्या चाहिए? बाप रे चिल्ला दी है पूरा वैशाली इन लोगों ने सर पे उठा लिया। इन लोगों को थोड़ा चॉकलेट्स वगैरह दिला रहा हूँ, शयान लेने गया है। क्या खा रहे तुम, कौन सी मंगाए? नहीं कौन सी चॉकलेट मंगाए? फाइव स्टार पसंद है तुमको? अरे वाह वो आ गया, चलो बैठ जाओ। अभी एक राउंड मारते हैं हम लोग फिर घर जाएंगे, ठीक है? राउंड खाना है बाइक पे, चलो बैठो। लिंग लेके आया तो जिद कर रहे दोनों के थोड़ी देर गार्डन में खेलने का है। लाओ थैली तो दे दो मेरे को। तो खेलेगे कैसे फिर तुम? बाप रे बातें तो, यहाँ से जाओ यहाँ से। जाइशु भाई जहाँ से गया जाओ जल्दी खेलो, यू हैव ओनली 5 मिनट्स। वो थैली में उसका 5 स्टार रखा है वो नहीं छोड़ेगी। जाइशु ऐसे नहीं गिर जाओगे, अच्छे से आओ स्लाइड करो जल्दी आ जाओ। 3, 2, 1 ओ वाओ। हम लोग इतना घूम फिर के खेल कूद के घर आ गए, इन लोग अब तक नहीं आया, लग रहा है पूरा वैशाली मार्केट इन लोग ही खत्म कर गए। एक बैग तो मैं साथ में लेके आ गया, बज गए हैं 10:30 बजने वाले हैं, भूख लग रही है। डैडी भूख लग रही है? हाँ तो बस कहाँ जा रहे हैं? डैडी भी गए, अब ये दोनों को मेरे को ही संभालना है, बस थोड़ी देर में डिनर करेंगे, देखते हैं इन लोगों ने क्या शॉपिंग करके लाए। आ गए ये लोग। अस्सलाम सलाम भाई कहाँ हो? अरे पूछ मत, बच्चे संभालने की प्रैक्टिस हो गई मेरे को, ऐसा रोई ये नौला क्या हो गया, उसको जबान आ गई खून निकल रहा है, कैसे कैसे करके उसको मनाया। नौला मेरे को भी हुआ है, देख कट वट दिखा रहा हूँ अपना। हाँ तो उसमें 5 स्टार थी ना, नौला 5 स्टार खा, रेड हो गया था ना। चलो आ जाओ खाना खा लेते, डैडी भी भूखे हैं। बस खाना गरम करते हैं सब अंदर। हम भी शहजाद को बहुत ज्यादा बच्चों को लेकर घूम रहे टेंशन में। हां एक बार ए भाई बराबर संभाला दोनों को, लेकिन तू इन लोगों को संभाल के कैसे व्लॉग्स बनाती है अल्लाह बेहतर जाने। कोई तो व्लॉग नहीं बन पा रहे अभी। ओके सो वो व्लॉग का जो लास्ट पार्ट आप लोगों ने देखे उसके बाद हम लोग सो गए थे, फिर डायरेक्टली अगले दिन रात में मिल रहे क्योंकि सब अपना अपना बिजी थे। बुशरा इमरान भाई कहीं गए थे, मून मम्मी कहीं गए थे, मैं काम। मून मम्मी ने मून मम्मी शयान जायशा बोलो। हाँ ये दो को क्यों भूले? तो
उस दिन हम लोग ने मैंगो मिल्क शेक जो खाए थे तो इमरान भाई को इतना मन हुआ था कि उन्होंने नेक्स्ट डे ऑर्डर कर लिए थे ना मिल्क के। तो अभी सब साथ में तो हम लोग बोले वापस क्यों ना खा लिया जाए, मजा आएगा इंशाल्लाह। मन है ना आप लोग का? नहीं सबका टाइगर सबने तो ऐसा है कि सब शेयरिंग कर लेंगे। जैसे लोग बोले एक में से हम लोग आधा आधा पिएंगे प्यार बढ़ेगा। ला 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 झटका देगा ये ला 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 ला। ब्लॉग की प्रमोशन जहाँ भी अभी गई थी ना सारे व्यूअर्स तुम लोगों की इतनी तारीफ कर रहे थे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग के प्यार से इधर है। चलो चलो लेके आते, बंद हो जाओ। मैंगो शेक पिएंगे कि जूस? अरे क्रीम, उस दिन तो क्रीम खाए ना, अभी शेक पी लो। मुझे तो अच्छा लगा, तुम्हें एक बाइट खट्टा मैंगो आया होगा शायद। मैंगो खट्टा नहीं, क्या होता है ना वो शेक में लोग फ्लेवर्ड वाला मैंगो डालते हैं। नहीं अभी नहीं है फ्लेवर्ड वाला, अभी सीजन वाला डब्बे वाला नहीं है, पाइनएप्पल नहीं है। पहले स्टेशनों पे जूस मिलता था ना, वो पाइनएप्पल में मैंगो मिक्स कर देते थे। हाँ हाँ, क्या आइडिया आया? आइडिया है वो जो कोकोनट वाला जो मिलता था। हाँ हाँ, उसमें मैंगो दे, उसमें उधर उसमें मैंगो नहीं आता, उधर भी क्रीम आती है सेम, जो तुम यहाँ खाए वहाँ भी सेम रहेगी। यस यस, चलो चलो निकलते, बंद नहीं हो। मैंगो क्रीम एक और ऑप्शन है। ये नहीं नहीं नहीं, देख के ही अच्छा नहीं लग रहा है। नाम देखो ऊपर नीचे हो गया, मैंगो शेक क्या, मिक्स फ्रूट है, मिक्स फ्रूट क्या, मैंगो शेक भाई। ये मेरा फेवरेट है, वो क्रीम ही चाहिए ना, क्रीम क्रीम भाई। प्लीज मीठे आम डालना। और तीन मैंगो शेक के साथ, अभी तो मैंगो आए नहीं है, मैंगो आएगा जिस दिन। तो घर में इतने शौकीन हो गए मेरे, क्या सभी घर में शौकीन, सब जगह भाई। मैं इसको ऊपर रखो आप लोग का, मैं वापस पानी लाता हूँ। उनको फ्लैश में दिखा दी भाई, दूसरा निकालो फ्लैश, डालेगा दूसरा कैसे भाई? सब सभी दूसरा चेंज करके डालेंगे। अच्छा चेंज करके डालेंगे ना, ठीक है। तीनों में भाई अच्छे मैंगो आए हैं नेक्सस में, अभी जूस तो हो गया लेकिन। हाँ चाय की पत्ती खत्म हो गई थी तो लेना भूल गए, मुंजरीन का रिपीट कर रहा हूँ मैं। चाय तो बहुत ज़रूरी है कोई कोई लोगों के लिए, सर दुखता है शाम में ऐसे ही रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा। किसी से पूछ लो, हम ऐसा लग रहा है मीडिया हो, मैम वन पिक्चर मैम, पीछे पीछे घूम रहा हूँ। कौन सी लेते हैं अपने से जनरली? इधर सब ऑर्गेनिक है, ये तो सबसे बेस्ट है सोसाइटी। लेकिन वो एक्सपेंसिव भी। हाँ अच्छी तो है, स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन तो और कहाँ है ऑप्शंस? यही है, ये सब है टाटा वगैरह की। तो अभी टेम्पररी कुछ ले लेते हैं सोसाइटी। ये पकड़ो तुम, निकालता हूँ बस, उतना बस हो गया, बस हो गया। हाँ राशन तो लेना ही है ना अभी, तुम्हारा ब्लॉग जो आने वाला है उसका। हाँ हम लोग क्या क्या लेते हैं रमजान में, ये शैजान के ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। और क्या है सेकंड चीज बताओ इम्पोर्टेंट? नहीं थर्ड, हाँ शेजी बेसन भजिए, क्योंकि भजिए तो लगते ही है रमजान में। बस ले रुको, मुझे कुछ लेना है मेरे लिए। मामा ने तुम्हारे लिए कुछ लाया, मैंगो क्रीम। वैसे ऐसा करो, परेशान मत करो मुझे। अस्सलाम वालेकुम अपने वाली, क्या खेल रहे तुम? किचन किचन, हाँ क्यों तोड़ दिया है? परेशान हो गए थे क्या? ओके, इसकी भाषा वही समझेगी। आ जाओ मैंगो मिल्क शेक निकाल लेते हैं फटफट। अभी फटाक निकालते हैं, गर्म होने से पहले उसे ठंडा ठंडा पी लेते हैं। पैकिंग की हुई है। अच्छा लोग एकदम अच्छा पैक करते हैं, कोई लंबा लेके जा रहा है बाइक वाइक पे। नजदीक में थे ना। हाँ खोलो, मैं हेल्प करूँ? नहीं फिर ऐसा लगता है गिर जाएगा, तो जरा सा भी गिरता है ना तो फिर ऐसा लगता है।
चलो सब शेयर करके पिएंगे। मुंजरीन का ये एक अक्खा है, मेरा एक अक्खा है, मम्मी रेडी, बुशरा, इमरान भाई लोग शेयर करेंगे। डैडी को कुछ ऐसा पीना है कि मेरे को थोड़ा सा शेक डालो और उसमें दूध ऐड करो, उनको थिक नहीं पसंद है और ज्यादा मीठा नहीं पसंद है, और डैडी के लिए स्पेशल शेक बना देते हैं। तो अपन इसको अरे नहीं ना मेरे साथ हो गई, तुमको क्या, मुझे भी पता था ये चीज। अब इसमें थोड़ा स्पून के साथ ऐसा डालोगे शेजान, ग्लास को आधा उल्टा तो करो, ये तुम एक हाथ से पकड़ो जरा, लाओ मैं डाल दूं। हाँ लाओ डाल लो। तुमने क्या किया बताए, तुमने दूध बहुत भर दिया। हाँ आधा ग्लास दूध भरना था, और तो फिर मैं एक घूंट पी लेता हूँ। पियो। मैंने थोड़ा दूध पी लिया, अब इसमें बराबर सेट होगा वो। अच्छा, मैंगो पीस रखो मुझे दूध वाला डैडी के लिए, डैडी दूध पीते ना ज्यादा। बस बस मिला दो उसको, लेकिन मेरे को भी ऐसे ही पसंद है। बस 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 मिला दो उसको भी, आपको भी दूध मैं डैडी से ले लूंगी। हाँ मिला दो उसको, उसमें उसका भी ऑरेंज हो जाएगा, मैंगो जैसा हो जाएगा। सॉरी पता गया नहीं उसका। इधर से शुरुआत कर दो। आई होप आपको लड़की पसंद आई। आओ ये मम्मी का है। अच्छा ले लो स्ट्रॉ लेके जा। चलो नेक्स्ट मम्मी। सॉरी मम्मी थक गई हूँ। हाल हवाल लड़की, आई होप पसंद आई आपको। ठीक है चलो। इमरान भाई, अच्छा इमरान भाई की मेरी थैंक यू, और वो क्रीम आप ले लो, और डैडी व्लॉग में आएगी नहीं तो डैडी की दे देते हैं। सही मेरे को स्पून नहीं चाहिए। ठीक है चलो। हमने तो लड़की देखी, इसने मैंगो क्रीम लाई ग्लास में, ननन नंदोई, हमें पसंद आई, ससुर जी को आई, तुम्हें कैसी लगी लड़की? मुझे अच्छी लगी। तो इधर है, कितना अच्छा दिया, भी अच्छी लगी। अब चलो मुबारक हो। इसी बात पे एक बात हो जाए। ला ला ला। नहीं नहीं वो गाना जो बाइक पे, बाइक पे। जब भी घर पे बुशरा आती है रुकने तो घर में इतना उधम हो जाता है, क्योंकि जो दो बच्चे है उसके, वो जायशा तो इतनी मस्ती हो रहे, आप लोग ने नोटिस किए होंगे, तो सोना उठना सब बस भागम दौड़ी घर में, चिल्ला पुकार, जेद, रोना, खेलना, बच्चे लोग का जो रहता है। अच्छा एक अच्छी स्टोरी सुना था आप लोगों को, एक जहन में आई है। एक समझदार इंसान रहता है, हर जगह एक रहते हैं ना, हम हमारी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, वो एडवाइस देता है हमें, तो एक इंसान रहता है उसके पास जाता है, बार बार एक ही प्रॉब्लम लेके जाता रहता जाता रहता है, वो उसको एडवाइस भी देता है ऐसा कर ऐसा कर, लेकिन नहीं सुनता है, बस प्रॉब्लम ही सेम प्रॉब्लम सुनाता रहता है। तो एक दिन वो आदमी बैठा रहता है और एक जोक बोलता है, ठीक है, तो वो समझदार इंसान जो रहता है उसके आजू बाजू रहते हैं थोड़े बहुत लोग, तो वो एक जोक बोलता है तो सब हंसते हैं आजू बाजू वाले, फिर सेम जोक वापस थोड़ी देर में बोलता है तो तीन चार लोग सिर्फ हंसते हैं, फिर सेम जोक वापस बोलता है तो सिर्फ एक जन हंसता है, तो वो समझदार इंसान वो उसको बुलाता है, बोलता है इधर आओ, अगर आप एक ही जोक बार बार सुनाते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि कोई नहीं हंसेगा फिर, तो आप क्यों एक प्रॉब्लम को लेके हमेशा रोते रहते हो, हमेशा शिकायत करते रहते हो, वो प्रॉब्लम को छोड़ो, जिंदगी में प्रॉब्लम आती जाती रहती है, आप बिंदास रहो, दुआ करो, सब सही हो जाता है। तो इसी तरह आप लोग भी एक प्रॉब्लम को लेके स्ट्रेस में मत आ जाओ, अपने ऊपर हावी मत होने दो चीजों को, प्रॉब्लम्स ये सॉल्व हुई, दूसरी आएगी, फिर एक हुई, फिर तीसरी आएगी, तो ये जिंदगी है, प्रॉब्लम्स आती जाती रहेगी, तो टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का, ऊपर वाले अल्लाह पे यकीन रखने का बस। और हाँ एक और बात, हमारी सासू माँ ने, मुंजरीन की मम्मी ने न्यू गाड़ी ली माशाल्लाह, तो मैं आ नहीं पाया देखने के लिए, मून और मम्मी लोग को घर पे नीचे लाके दिखाए, मैं था नहीं, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, लेकिन उनको बहुत बहुत मुबारक हो न्यू गाड़ी, अल्लाह बस अच्छे से रखे, हिफाजत में रखे, और इंशाल्लाह आप लोग से भी मैं गाड़ी जब अभी जाऊंगा नेक्स्ट टाइम तो शेयर करता हूँ कौन सी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है। सो
बस ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आते हैं न्यू व्लॉग के साथ। आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए शहजान शेख। अल्लाह हाफिज़।